जय माता दी साथियों, मैं नंद विश्वकर्मा आज आपको अपने चैनल नंद विश्वकर्मा में कैलकुजन किसे कहते हैं, समूह सूर्य समूह के तत्वों का परमाणु क्रमांक, संकेत, तत्व का नाम, परमाणु भार, इनके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं कैलकुजन, तो सोलहवीं समूह है, सुलहवे समूह के तत्वों को कैलकुजन सुलहवे समूह के तत्वों को कैलकुजन कहा जाता है। तो आपने देखा कि किस समूह के तत्वों को कैलकुजन कहा जाता है, सूर्यवी समूह के तत्वों को। सूर्य समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, कैलकुजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्यवी समूह के जो तत्व हैं यह है अयस्क का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अयस्क, क्योंकि कैलकुजन का समानार्थ होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। कैलकुजन का समानार्थ क्या होता है, अयस्क बनाने वाले तत्व। तब आपने देखा कि सूर्यवी समूह के तत्वों को कैलकुजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह है अयस्क बनाते हैं, क्योंकि यह है अयस्क बनाते हैं। यह हम ऐसा भी कह सकते हैं अर्थात अयस्क बनाने वाले तत्व, क्योंकि कैलकुजन कैसे कहते हैं अर्थात अयस्क बनाने वाली तत्व। तो देखते हैं अब सूर्य समूह के तत्वों को याद करने का ट्रिक बहुत सुंदर है, यदि आप इसे देखते हो तो आपको देखते ही याद हो जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी सूर्य समूह के तत्वों के नाम व संकेत नहीं भूल सकते हैं, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो देखते हैं, ओ सस्ते पौड़ा, ओ सस्ती पौड़ा। यदि आपने इस तीन शब्द याद कर लिए तो आपको सोलहवें समूह के तत्व याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, ओ सस्ती पौड़ा। तो इसे देखिए, यहाँ पर लिखे अपन ओ सस ते पौड़ा, यहाँ से ओ से हो जाएगा, यहाँ पर ओ से क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, सा से हो जाएगा सल्फर, सा से हो जाएगा सेल्यूनम नियम, टी ते से हो जाएगा टी ई, पी से हो जाएगा पी ओ, अड़ा से हो जाएगा साइलेंट, ठीक है ना। तो ओ से ये आपका जो अड़ा है कैसा वर्ड है, साइलेंट वर्ड है, ये कैसा है साइलेंट है। ये आपका जो यहाँ पर शायद इसके नीचे दिख नहीं रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये जो यहाँ पर अड़ा है ये साइलेंट है, कैसा है साइलेंट। साइलेंट का तात्पर्य होता है अनुच्चारित शब्द। तो आपने पहले तो देखा इससे संकेत क्या हो जाएंगे आपके संकेत। अब संकेत के बाद क्या आता है, अगला कॉलम, संकेत के बाद अगला कॉलम आता है तत्व का नाम। तत्व का नाम उसे हो जाएगा ऑक्सीजन, सास हो जाएगा सल्फर, शेष हो जाएगा सेलू नियम, टी ई से हो जाएगा टेलूरियम, पी ओ से हो जाएगा पोलिनियम, एक चीज
तो ये तो हो गए आपके क्या नाम। तो आपको एक ही ट्रिक याद रखना है, सिंपल सा सरल सा, ओ सस्ते पौड़ा, ओ से ऑक्सीजन, सा से सल्फर, एस से सेलुनियम, टी से हो जाएगा टेलुरियम, पी से हो जाएगा पोलोनियम, अड़ा हो जाएगा साइलेंट। अब इसके बाद देखते हैं इसका क्रमांक क्या, इसका कैसे हम करें, इसे हम इसके क्रमांक को कैसे याद कर सकते हैं। तो क्रमांक के लिए आपको इसका डिफरेंस याद रखना है, इसका डिफरेंस होता है 8, 18, 18, 32। इसके डिफरेंस को आपको याद रखना है 8, 18, 18, 32। यदि आप 18, 18, 32 याद रखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, 8 में 8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 18 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 8 में हमने जुड़े 18, 16 हो जाएगा, 16 में 18 जुड़े 34 हो जाएगा, 34 में क्या जुड़ेंगे 18, तो कितना हो जाएगा 52, 34 में 18 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, 52 में कितना जुड़ेंगे अपन 32, तो हो जाएगा 84। बिल्कुल सरल है ना याद करना, वेरी इजी। 8 इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक याद रखें, किसका परमाणु क्रमांक याद रखें आप, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में आप परमाणु क्रमांक में 8 जुड़ जाएंगे तो 16 इसका हो जाएगा, 16 में 18 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 34, 8, 6, 14, 1, 1, 2, 1, 3। अब 34 में फिर 18 जुड़ेंगे तो 8, 4, 12, 3, 1, 4, 1, 5, और 52 में 32 जुड़ेंगे तो 84। तो आपने देखा कि कितना सरल है याद करना, कैलकुलेशन किसी कहते हैं, कैलकुलेशन किसे कहते हैं, सूलभ समूह के तत्वों को कैलकुलेशन कहते हैं, किसे कहते हैं कैलकुलेशन समूह सूलभ के तत्वों को क्या कहते हैं कैलकुलेशन कहते हैं। कैलकुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि तत्व जो होते हैं ये अयस्क बनाते हैं, क्या बनाते हैं अयस्क, इसलिए इसे क्या कहते हैं कैलकुलेशन। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन किसे कहते हैं। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं, अब इसका ट्रिक देखें याद करने का, ओ सस्ते पौड़ा, ओ सस्ते पौड़ा, इस ट्रिक के माध्यम से आप सब याद कर सकती हैं। ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन, सा से सल्फर, सा से हो जाएगा एस, सी से यहाँ पर आपको याद रखना है कि एस ही लिखना है, टी से टी ई, पी ओ से वैसे पापतंग, पी से उसे, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, बाकी इसके ट्रिक में याद ऐड कर दें 8, 18, 18, 32। तो यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल नैनो विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। जय माता दी साथियों।